संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हे ओ जय हो हिंदुस्तान प्यारे हिंदुस्तान। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस कथावाचक को धर्मनिरपेक्ष भारत और भारत देश का संविधान दोनों ही पसंद नहीं है। कथावाचक की बातों पर तालियां बजा रही इन महिलाओं को भी शायद नहीं पता होगा कि पुरुषों से कहीं अधिक महिलाओं को अधिकार भी इसी संविधान की वजह से मिले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में 3 मई से 9 मई तक चलने वाली शिव महापुराण कथा के दौरान सीहोर के रहने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने गीत के द्वारा संविधान विरोधी बातें कहीं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संविधान में आस्था रखने वाले बहुजन संगठन कथावाचक को गिरफ्तार करने की मांग भी उठा रहे हैं। भीम आर्मी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम के गृह जिले सीहोर में प्रदीप मिश्रा नाम का पंडित कथा करते हुए संविधान बदलने की बात कर देश को तोड़ने जैसी अफवाह फैला रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान देशद्रोह, शांति भंग एवं जनता वर्ग लाने की कार्यवाही करते हुए तुरंत जेल में डालें और संविधान का पाठ पढ़ाएं, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। तो यहाँ पर भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश प्रभारी ने कथावाचक की गिरफ्तारी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। इस कथावाचक द्वारा संविधान पर की गई इस टिप्पणी पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हे ओ जय हो हिंदू।